क्वेश्चन वही निकल के आता है कि जैसे मार्वल में कोई भी इंडियन कैरेक्टर या इंडियन सुपर हीरो है नहीं, तो लॉन्ग शॉट में आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती जैसे कि किसी हॉलीवुड के बड़े एक्टर को मिलती है. तो दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो ऐसा रोल मिल जाए जो 4 पिक्चर तक खत्म ही ना हो, तो बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग है. अरे देखो मार्वल करेगा भी नहीं वो, बता आयरन मैन थॉर और को बना के ना वो खुद भी झेल रहा है, ऐसी बात नहीं और क्या. हाँ वो बोल देगा मैं कल नहीं आ रहा हूँ. हाँ. कल भाई झेलेंगे सब वो साले. हाँ अभी तुम देखो कि रॉबर्ट डाउनी को उन्होंने कितना पे किया है. बात चलो मैं वो नहीं कह रहा कि भाई चलो ठीक है वो उनका डिसीजन है और रॉबर्ट डाउनी ने उनको दिलवाया भी बहुत कुछ है, पर बात ये है कि मतलब जैसे कंसिडरिंग बॉलीवुड एक्टर्स या इंडियन एक्टर्स, तो आपको ये एक प्रैक्टिकली सोचने वाली चीज़ है कि मतलब देसी कैरेक्टर्स कितने हैं कॉमिक बुक्स से उनके यूनिवर्स में. तो ऐसे में फिर कितना पोटेंशियल रहता है आपके पास. लेकिन वही ना देखो जो भी था मेरे को नहीं लग तो नहीं रहा है कि ऐसे वालिद की उसमें डेथ हुई है. हाँ लग तो मुझे भी नहीं रहा था, मैं नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हुई है तो बहुत टेम है भाई, बहुत टेम. कुछ भी वो नहीं था ना, मतलब कुछ भी बस मतलब कि यार पीठ पे छुरा मारा मर गया. और बताए और क्या ट्विटर पे मेरे को भी एक बंदे ने बोला कि भाई उसका देखा नहीं कि उसने उसके इसे कड़े पे मारा तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ ये वो था. देखो मैंने बोला ठीक है भाई मैं समझता हूँ फिक्शन है, सब कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन मैं इतना चूतिया आदमी भी नहीं हूँ. ठीक है नहीं मेरे ख्याल से उसको मारेंगे नहीं. I देखो think... देखो बेहोश भी करना होता है ना, तो अच्छा खासा बेहोश भी ऐसे कर सकते थे यार, ऐसा मतलब पीठ पे मार के फिर गिरा दो. हाँ हो गया यार मतलब क्या है. उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड में दिख जाए वो बस पीछे मत हो. मेरे को तो देखो अगले एपिसोड में तो चांसेस कम है, दिखेगा तो सीरीज के एंड में प्रोबेबली जो पोस्ट क्रेडिट में या कुछ ऐसा करके कहीं से उसको. लेकिन मुझे बताओ यार फरहान अख्तर अपना छुरा ऐसे पकड़ लेता है जब वापस मुड़ के जा रहा होता है, जल्द लड़ना भी नहीं होता उसको. ठीक है मैं सोचा कि ये निकालेगा कभी, लेकिन वो नहीं निकालता, दूसरे वाले छुरे निकालता. तो कुछ तो कर भाई यार. नहीं फिर लेकिन एंड ये कमाल वो ट्रांसपोर्ट ही हो गई क्या उधर. हाँ मस्त. अभी क्या हो गया बताता हूँ तुमको मस्त सी चीज. ट्रांसपोर्ट हो गई. टाइम ट्रेवल पिक्चरों में होता है ना कि आप जिस चीज को रोकने जाते हो आप उसी का कारण बन जाते हो. वो बस वो जो उसकी माँ कहती है ना कि नानी कहती है कि भाई मेरे को वो एक हाथ आया था जिसने आयशा ये वही है. पहुंच गए भाई यार गजब चीटियां काटेंगे अपना. मतलब वो एक मिनट में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ क्या था जिसकी वजह से वो गई टाइम ट्रैवल करने के लिए. अरे उसके छुरे पे लगता है ना, वो छुरा मारते तो उसके बैंगल पे लगता है. टाइम ट्रैवल की पावर है. अब ये नहीं पता कि बैंगल के अंदर क्या पावर एग्जैक्टली, पर वो टाइम ट्रैवल करके वहाँ पहुंच गई है. वो वहाँ पहुंचने के बाद अपनी खुद की नानी को बचाएगी जो बच्ची होगी. तो इन लेकिन मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर है भाई. नहीं नहीं वो उसके पास पता नहीं उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर है या फिर वो कैसे ट्रिगर हुई है ये अभी इसका कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है.